हमने पिछले वीडियो में सीखा आईपीएमटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई ईएमआई भर रहे हैं तो उनमें आप हर महीने कितना इंटरेस्ट भरते हैं वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, उस वीडियो में हमने सीखा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को किस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब होता यह है कि जैसे मान लीजिए आप कोई ईएमआई पे कोई गाड़ी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, तो उनमें तो हर महीने आपको ईएमआई चुकाना पड़ता है, और आपको पता है कि ईएमआई का मतलब होता है आपका ब्याज और प्रिंसिपल। तो कितना आप ब्याज भरते हैं वो तो हम कल सीख चुके हैं, बट प्रिंसिपल हमें कितना भरना है, कितना हमें प्रिंसिपल भरना है वो कैसे हम चेकआउट करेंगे, तो वो हम पीपीएमटी के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू जो है प्रिंसिपल पेमेंट वैल्यू पीपीएमटी, और हम यहाँ पे कल ही सीखे हुए मंथ और आईपीएमटी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आईपीएमटी निकाल चुके हैं, अब इसमें हम पीपीएमटी निकालेंगे, मतलब मेरा इंटरेस्ट निकल चुका है, प्रिंसिपल निकालेंगे। उनके बाद हम ये देखेंगे क्या दोनों मिला के हमारा जो टोटल ईएमआई है हर महीने, क्योंकि ईएमआई तो सेम होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि ईएमआई हर महीने अलग अलग देते होंगे, हर महीने ईएमआई आप सेम देते होंगे। तो हम अगर ये मेरा पीपीएमटी निकल गया और दिनों का इक्वल करके अगर हम ईएमआई निकाले और सब ईएमआई सेम आया तो हमारा ये वैल्यू करेक्ट होगा। तो चलिए पीपीएमटी कैसे निकालते हैं इसी में हम निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पहले से निकाला हुआ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं दिखाए आईपीएमटी के बारे तो आप जरूर देख लें कि हम किस तरीके से यहाँ पे आईपीएमटी निकाले हैं, और इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ईएमआई डिफाइंड करते हैं। अगर आप बाइक लेने के लिए जाते हैं, होम लोन लेने के लिए जाते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए इनके लिए आपको लगाना होगा इक्वल पीपीएमटी, टैब बटन प्रेस करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है रेट, तो हम रेट ले लेंगे। अब हमने आपको बताया कि जब भी हम रेट लेते हैं तो रेट हमें साल के हिसाब से मिलता है, बट हम बना रहे हैं महीने के हिसाब से, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से। देन उसके बाद कोमा देंगे, उसके बाद हमें बोल रहा है पर का मतलब बताइए जो मंथ आप यहाँ पे चूज किए, इस मंथ को चूज करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उनके बाद है एंड पर मतलब हो गया ये जो आपका नंबर ऑफ पीरियड दिख रहा है ये, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ये तो हमारा 2 साल है, बट इसे मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी कोमा देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 2 लाख, तो इसे एंटर करेंगे और ओके करेंगे। बट ये भी हमारे हैश के फॉर्म में आ रहा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बट ये भी माइनस में आ रहा है तो इसे हम प्लस में कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो काम नहीं करेगा, तो हमें सभी वैल्यू को जो भी हमारे सेल्स हैं उन्हें क्या करना होगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक ही लाइन का जो रॉ में है वो है, तो सभी रॉ में तो आया नहीं कि काम कर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू को इसमें फिक्स कर देते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ देंगे जो हमारा मंथ, क्योंकि मंथ हमें A to Z मिल रहे हैं, बट अभी इसमें सभी वैल्यू नहीं मिल रहे हैं। तो हम सबको किस तरीके से करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके विंडो F4 या सिर्फ F4 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ से कर देते हैं F4, और देन इस वैल्यू को मतलब सिर्फ पर को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू को फिक्स करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से इसे डबल क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ईएमआई टोटल निकालते हैं। देखिए हर महीने आपको क्या करना होगा, 2500 जो कि आपका ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू कितना लगा, इतना लगा। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा जो ईएमआई है वो आ जाना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, इसको क्लिक किए, इक्वल लगाएं, इसको किए, प्लस का चिन्ह दिए, इसको किए, एंटर किया, तो ये थोड़ा सा हैच का फॉर्मेट में आ जाता है, इसे बड़ा कर देते। देखिए सेम वैल्यू आपका जो ये वैल्यू है सेम ये वैल्यू आ रहा है, तो अगर दोनों वैल्यू आ रहा है तो सही है। अब सभी में तो सेम वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका इंटरेस्ट घट रहा है तो देखिए आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे डबल क्लिक करके यहाँ तक लेते हैं, देखिए सब में एक ही वैल्यू है। तो इस तरीके से हम आईपीएमटी निकाल सकते हैं और पीपीएमटी भी निकाल सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पीपीएमटी निकाल सकते हैं, मतलब आप हर महीने कितना मूलधन जमा करते हैं बैंक में, या आप कोई बाइक लिए हैं, तो ये सभी चीजें आप एक्सेल में इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।